ये हमने हैरियर के अंदर पूरा लाइटिंग का काम किया हुआ है, जिसका आप नाइट इफेक्ट देख रहे हैं। आइए बताते हैं किस तरीके से हमने किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास यहाँ पे हैरियर आई हुई है और हैरियर का आप देख सकते हैं पूरा आगे से खोल दिया है, जैसे कि देव भैया पूरा खोल के रख देते हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आज देव भैया। देव भैया फिर से हैरियर आई, फिर से खोल दी, क्या हुआ? अरे यार भाई मत पूछो यार, बहुत दिक्कत आ रही खोलने में लाइट यार। क्या क्या काम कर रहे हो आज आप इसमें? भाई इसमें लगा दी हमने हेड लाइट, एलईडी बल्ब लगा रहे हैं, A7 के, अजूम के जी, ये रही। अच्छा 180 वाट के, तो ये आप 180 वाट की हेडलाइट मतलब प्रोजेक्टर के अंदर लगा रहे हो आप? हाँ जी प्रोजेक्टर अंदर लगा रहे हैं, प्रोजेक्टर के अंदर खतरा तरीके से खोल रहे हैं हम लोग, और ये लगाइए। अच्छा ये अजूम के प्रोजेक्टर भी लगा दिए नीचे, प्रॉब्लम लगा दिए। ओके, तो बहुत जबरदस्त थ्रो आने वाला है मतलब इस गाड़ी का। थ्रो आने वाला है, तो चलिए इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, इसको लगाते हैं। देख भैया पूरा वर्क कर रहे हैं अभी लगाने के लिए इसको। और होल कैसे रहा ये भी बता दो भैया। हाँ इसके अंदर एक बहुत टिपिकल स्क्रूज होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये बहुत टिपिकल स्क्रू, ये खुल तो जाता है लेकिन लगता नहीं है, तो लग जाता खुलता नहीं है। अच्छा लग जाता खुलता नहीं है, उल्टा ही है मतलब। उल्टा है, तो बहुत मेहनत से इसको जो है खोलना पड़ता है, एक एक स्क्रू के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कस सकते हैं इसको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए आप, ये खुल नहीं रहा, ये खुल नहीं रहा है, और ये कस जाएगा, ये टक गया पेचकस। हाँ हाँ ये कस रहा है, ये खुलेगा नहीं। ओके वो शायद नहीं खुलेगा, इसको घिस के अपन खोलना पड़ेगा। अच्छा इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आप घिसते हो फिर उनको खोल देते। तो इसके बाद स्क्रू यही लगाते हो कि यही स्क्रू लगा देते हो जैसा लगा रहता कंपनी फिटेड? तो ठीक है आप इसको पूरा करिए, फिर इसका लाइट का थ्रो भी देखेंगे अपन। ये कर दिए कंप्लीट। अच्छा हाँ स्क्रू आपने ये पूरा लगा दिए, ठीक है फिर इसको पूरा कसते हैं, फिर आपको इसका लाइट का थ्रो बताएंगे किस तरीके से इसका थ्रो आने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो है इसके अंदर इंस्टॉलेशन हमने कर दिया है, और अब जो है पूरा जिस तरीके से अपने बम्पर को वापस फिटिंग कर रहे हैं अभी पूरा, इसको फिटिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसके अंदर जो है लाइट का आउटपुट आने वाला है। तो जो अपर आप देख रहे हैं उसमें पहले से HID लगी हुई है, ये दो चीज़ें जो हैं वो हमने अभी चेंज करी, और इसका जो आउटपुट आने वाला है बस थोड़ी देर में ही आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरीके का इसका आउटपुट आने वाला है अभी। तो कस्टमर भी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, पूरा इसको कस देते हैं फिर इसका लाइट थ्रो जो आने वाला है वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर अब पूरा कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन, आइए आपको इसका आउटपुट दिखाते हैं, लाइट का आउटपुट कैसा आया है। तो देख भैया चालू करिएगा एक बार लाइटें, ये अभी आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर चल रहे हैं, जो कि डिपर के प्रोजेक्टर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिपर के प्रोजेक्टर चल रहे हैं अभी, ना ये चल रहा है ना अपर चल रहा है। देख भैया डिपर और चलाइएगा, अपर भी आ गया है, अपर डिपर दोनों हो गए हैं। अब फॉग लैंप और चालू कर दीजिए, ये आप देख सकते हैं फॉग लैंप में जो रोशनी आ रही है एकदम से, लाइट का एनहांसमेंट आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हुआ है। एक बार फॉग लैंप बंद करिएगा देव भैया, ये फॉग लैंप बंद करते दोनों हेडलाइट भी बंद कर दीजिएगा भैया, आप कोशिश करिए डायरेक्ट फॉग लैंप चालू हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉग लैंप जो है अभी चालू हो चुका है। देव भैया अपर डिपर के साथ है ये सिर्फ फॉग लैंप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो अभी रोशनी आ रही है फॉग लैंप की। अब आप अपर और डिपर दोनों चालू कर दीजिए, यहाँ पे अपर भी चालू डिपर भी चालू, देखिए दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, और जो लाइट का थ्रो है लाइट का आउटपुट है काफ़ी अच्छा हो गया है, और सामने से आप देख सकते हैं सामने से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी दिख रही है। और जो आप नीचे फॉग लैंप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना ये 6000 केल्विन है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 5800 केल्विन, मतलब ये थोड़ी सी येलोइश लाइट होती है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे हल्की सी येलोइश लाइट आती है, और जो अपर डिपर हैं वो बिल्कुल प्योर वाइट में है, तो आपको जो है नाइट ड्राइविंग में काफ़ी इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अजूम ने काफ़ी सोच समझ के इसको पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो टेम्परेचर रखा गया है 5800 केल्विन रखा गया है, और ये आज हमने अपना इंस्टॉल किया है हैरियर के अंदर। अगर आपको भी कुछ इसी तरीके का इंस्टॉलेशन कराना है अपनी गाड़ी में, इसी तरीके की लाइटिंग सॉल्यूशंस चाहिए आपको, तो आप आ सकते हैं बिल्कुल स्टार कार डेकोर एंड एक्सेसरीज़ के अंदर, और आप भी अपनी गाड़ियों में कुछ इसी तरीके से आपकी गाड़ियों में लाइटिंग को सॉल्यूशंस जो आप चाहते हैं वो करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।